press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ प्रदीप दुबे। फ्रेंड, कुछ लोग का व्हाट्सएप और कमेंट में ये जवाब है कि सर आप कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं देते हो, आप बिक चुके हो इसीलिए हमें कोई जानकारी कोई अपडेट नहीं देते हो। तो फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो सोचते हो ये सरासर गलत है। फ्रेंड, आप लोग के मन में, आप लोग के दिमाग में जो बातें, जिस सवालों के जवाब आप लोग को चाहिए उसका जवाब आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा और जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो सोचते हो, देखिए फ्रेंड, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग का कहना था कि सर कोई बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा कोई न्यूज रहेगा तो आप मेरे पास पहुंचाना। अभी छोटी मोटी न्यूज, छोटा मोटा लीड अभी आप मत पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं, अब आपको जो भी बहुत बड़ा अपडेट, जो भी बहुत बड़ा न्यूज मिलेगा डायरेक्टली अब आपको होनर से मिलने वाला है। आपको सारी जानकारी बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। आपके मन में जितने सारे सवालों के जवाब हैं वो सारे सभी सवालों के जवाब आप लोग को बहुत जल्दी मिलेंगे और आप लोग के मन में जो उलझन, जो दर्द हैं, जो दुख हैं वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस क्या है, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है इसलिए आपको हम नहीं दे पाएंगे। आप लोग को इंतज़ार करना होगा, आप लोग के सामने खुद पे खुद जो आपके मन में उलझन, जो तनाव पैदा हुए हैं, जिस सवाल को लेकर आप लोग परेशान हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि फ्रेंड कभी भी अगर आप लोग बैंक से लोन पास करवाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप बिजनेस करते हैं। अगर आप बताते हैं कि मैं सैलरीड हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो आपसे पूछा जाता है क्या आपको सैलरी स्लिप मिलता है, तो आप बताते हो कि हाँ मैं मिलता है। तो आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट, आपके फैमिली मेंबर से और दोस्त फ्रेंड का मोबाइल नंबर और सारे डॉक्यूमेंट का मांग होते हैं, जो कि देने के बाद ही आपको लोन मिलता है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप ITR भरते हैं, और भी डॉक्यूमेंट की मांग होती है जो कि आपको दिखाना पड़ता है। ये सब तो दिखाने के बाद, क्लियर करने के बाद तब आपका लोन पास होता है। तो फ्रेंड आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूँ, तो फ्रेंड मेरा एक ही बात कहने का मतलब है फ्रेंड कि लाइफ में, भविष्य में, जीवन में कभी भी आप कभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाएं तो हमेशा सोच और समझ के उठाएं। क्योंकि फ्रेंड सोचिए आप कि अगर आप बैंक से 50,000 रुपये लोन या 1,00,000 रुपये लोन की डिमांड करते हैं तो बैंक आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं, इतना आप दौड़ते हैं, धूपते हैं, तब जाके आपको लोन मिलता है। टाइम पे लोन नहीं पे करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट भरना पड़ता है, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब कर दिया जाता है। तो आप सोचिए फ्रेंड कि अगर आप बैंक से पैसा या लोन लेते हैं तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ है तो क्या आप किसी को ऐसे ही या किसी ऐसे स्थान पे या किसी ऐसे जगह पे आप उसे इस्तेमाल ना कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सके। फ्रेंड आपकी चीज़ें हैं, आपकी वस्तु हैं, आप उसको ऐसे जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा कि उसका सही परिणाम आपको मिल सके। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है फ्रेंड, अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे संग आप ज़रूर बने रहिएगा। हम आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। कोई भी ऐसी न्यूज, ऐसी कोई जानकारी रहेगी हम आपको बताते रहेंगे फ्रेंड। अभी फ्रेंड क्या है कि मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाना बंद कर दिया है फ्रेंड जो कि किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा ना लगे। तो फ्रेंड
अभी आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, जो भी टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिएगा आप मुझसे बताएंगे, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। यही मेरा आपसे कहने का मतलब है फ्रेंड। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, कभी भी आप अपने पैसा हो गया चाहे कोई भी वस्तु हो गया, आप उसका इस्तेमाल ऐसे जगह पे कीजिएगा कि समय समय पे आपके काम आ सके। मैंने आपको एक बार बताया था फ्रेंड कि अगर आपका विद्या आपके दिमाग में अगर आपके पास है तो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाएगा। अगर आपका विद्या ग्रंथों में, बुक में, किताब में है तो जरूरत पड़ने पर आपको ग्रंथ को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान विद्या प्राप्त हो पाएगा। अगर आपका विद्या आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल हर समय हर पल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप मेरी बात समझ चुके होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड। बस इतना ही कहना था फ्रेंड, आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक के वीडियो बनाकर देते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड, कभी आप लोग को हम भटकने नहीं देंगे फ्रेंड। बस इतना ही कहना था फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो हमारी बातें आपको अच्छी लगती है प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिएगा, हमारे संग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।